ओके okay, स्टूडेंट्स हमने अल्केन का यहाँ तक पढ़ा है ठीक है अब हम इसके स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे के स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं फॉर्मूले के साथ इसके हाइड्रोजन किसके साथ कितने आएंगे वो हमने अभी इस फॉर्मूले से सीख लिया स्ट्रक्चर बनाते सबसे पहले हम बनाते हैं मीथेन का कि मीथेन का स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ मीथेन और इसका फॉर्मूला क्या होता है सी ठीक है अब मीथेन में देखिए एक कार्बन है ना तो हम एक कार्बन लिखेंगे और हाइड्रोजन कितने हैं चार तो हम इसके चारों तरफ इस तरीके से लाइन डालेंगे ये लाइन जो छोटी सी आपको नज़र आ रही है ये शो कर रही है बॉन्ड कौन सा बॉन्ड ये मैं अपने लेक्चर के स्टार्ट में बता चुकी हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन कौन सा बॉन्ड बनाते हैं कोवल बॉन्ड बनाते हैं और सिंगल बॉन्ड है हर तरफ वो क्या बता रहा है हमें सिंगल बॉन्ड हमें ये शो कर रहा है कि ये सेचूरेटेड है सेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन है और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं अल्केन होते हैं और ये तो आप सबको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी अलकेन ही तो पढ़ रहे हैं तो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन पुट कर दिया ठीक है अब देखें ये फॉर्मूला बन गया इस ये फॉर्मूला में क्या बता रहा है एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन है इसमें देखिए एक कार्बन है और एक दो तीन चार चार हाइड्रोजन है ये बात भी आपको पता होगी कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है चार होती है टेट्रा वेलेंट होता है कार्बन टेट्रा मतलब फोर ठीक है तो वैलेंसी कितनी होती है टेट्रा वैलेंट होता है तो कार्बन चार वैलेंसी होती है अब के बाद हमारी दूसरी फैमिली है इथेन इथेन भी बना लेते हैं फॉर्मूला क्या है इसका सी टू एच सिक्स ठीक है अब देखें इथेन कैसे बनेगा अब इसमें कितने कार्बन बनाने? तो, तो बनाने दो तो वन टू सबसे पहले आपने कार्बन बनाना है दो कार्बन बना लिए दो कार्बन के दरमियान हमने एक बॉन्ड बना लिया सही है अब आप मुझे ये बताएं कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है चार वैलेंसी होती है ठीक है तो यानी इस कार्बन के चार ये चार बॉन्ड बना सकता है ये चार बॉन्ड बना सकता है अब जो ये वाला कार्बन है इसने एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया तो इसके पास कितने बॉन्ड बचे तीन बचे ठीक है चार में से एक इसके साथ बना लिया तो तीन बचे ना इसी तरीके से इस कार्बन ने भी एक इसके साथ बना लिया तो अब इसके पास कितने बचे तीन बचे तो हमने इसमें हाइड्रोजन पुट कर दिया अब देखें गए हाइड्रोजन कितने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्या फॉर्मूला हमें बता रहा है कि छह हाइड्रोजन आएंगे है ना इसका मतलब हमें सही बना है ठीक है इसी तरीके से आपने इन सब के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं अगर इनमें से किसी का भी स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाना आ रहा या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे इनबॉक्स करके भी पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं ठीक है मैं आपकी एक हेल्प के लिए एक और बना देती हूँ नॉन इन का बना देती हूँ मैं ठीक है ताकि आप लोग बीच के सारे बना लीजिएगा एंड का मैं एक आपको बता देती हूँ ताकि आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो वो भी क्लियर हो जाए इसमें कितने कार्बन हैं सी नाइन एच ट्वेंटी ठीक है अब देखिए हमें कितने कार्बन कितने कागज़ बनाने होंगे हमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और एक में इस तरह बना देती हूँ नाइन ठीक है नाइन बन गया ये टोटल फिर से काउंट कर लेती हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है हाइड्रोजन कितनी चाहिए ट्वेंटी तो अब आपको मैं ये बात तो समझा चुकी हूँ कि इस कार्बन के पास एक बॉन्ड इसने हिस्से बनाया हुआ है तो अब इसके पास कितने कार्बन कितने बॉन्ड बचे तीन बचे तो इसके साथ तीन मैंने इस तरीके से शो कर दिया जिसके साथ हाइड्रोजन पुट हो जाएगा ठीक है अब ये वाला कार्बन है ठीक है आप आपको गौर से देख के बनाना है सोचना है कि किस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं अब ये वाला जो कार्बन है अब इसका भी आपने ही नहीं सोचना है कि अच्छा तीन कार्बन है तो बस हमें इसके साथ तीन हाइड्रोजन लगा लूँ नहीं बिल्कुल भी नहीं अब देखें ये कार्बन बीच में आ रहा है ठीक है इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए एक इसने इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है एक इसने इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है तो इसके पास कितने बचे इसके पास सिर्फ दो खाली जगह बची चार बना सकता है ना टोटल तो दो तो बनाए हैं उसने कार्बन के साथ तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे दो इसी तरीके से इसमें भी सेम कहानी इसमें भी दो हाइड्रोजन लगेंगे इसमें भी दो हाइड्रोजन लगेंगे इन सब में इसी तरीके से आएगा ठीक है आपने बहुत गौर से देख के करना है आपकी मिस्टेक हो सकती है ओके okay, अब अब ये ये देखें जो लास्ट वाला कार्बन बचा इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए है इसने अगर आप देखें तो सिर्फ एक बॉन्ड बनाया हुआ है इससे ठीक है ये जो लास्ट वाला कार्बन है इसने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया हुआ है इससे और कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है टोटल कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है मतलब इसके पास तीन जो जगहें हैं वो खाली हैं जहाँ तीन हाइड्रोजन आ सकते हैं ना तो अब यहाँ पे हम तीन बनाएंगे वन एक हाइड्रोजन यहाँ पे दो और ये नीचे तीन ठीक है अब इन सब को अगर आप काउंट करेंगे इन हाइड्रोजन्स को तो ये ट्वेंटी हो जाएंगे और कार्बन में आपके सामने काउंट कर चुकी हूँ नाइन थे और हाइड्रोजन ट्वेंटी हो जाएंगे तो ये नॉन नाइन का स्ट्रक्चर बन जाएगा एक दफ़ा आपकी तसल्ली के लिए वैसे काउंट कर लेती हूँ वन टू तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवेन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी ठीक है इसी तरीके से आपने इन सब के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं ठीक है थीके? मैं आपको गाइड कर रही हूँ और इस पर अमल करेंगे आप तो आपका ही फ़ायदा होगा कि अपना एक रजिस्टर बना लें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ठीक है बहुत मोटा भी ना हो और बहुत पतला भी ना हो दरमिया साइज़ का एक रजिस्टर बना लें और उसके अंदर स्टार्ट केमिस्ट्री का काम करें ठीक है जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे वैसे आप उसको करें ताकि आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे नोट्स एक जगह हों और आपको जब भी उसको रिवीजन करना हो आप कोईली उसको खोल के उसको रिवाइज कर सकें ठीक है वरना हम बीच में काम करते हैं फिर कुछ कुछ कोई और काम कर देते हैं फिर कोई और काम करते हैं इवन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के Chelsea साथ आप इनऑर्गेनिक का भी काम कर रहे हैं तो उसमें वो दोनों मिक्सअप हो जाएगा और फिर आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है ठीक है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए अलग से या तो अगर आपके पास एक बड़े साइज़ का रजिस्टर है ज़्यादा पेजेस हैं तो उसमें एक अलग से पोर्शन बना लें नहीं तो फिर एक अलग रजिस्टर ले लें नॉर्मल साइज़ का और उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काम स्टार्ट करें ठीक है आज हमने अल्कन को पढ़ लिया इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे बुक से इसकी रीडिंग करेंगे कोई भी क्वेश्चन हो कोई बात ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं और इनबॉक्स करके भी पूछ सकते हैं रीम स्टडी प्रोजेक्ट फेसबुक पे पेज है मेरा ठीक है उसमें आप मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं और यूट्यूब पे भी चैनल है रीम स्टडी प्रोडक्ट प्रोजेक्ट के नाम से उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं ओके थैंक यू सो मच